नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जेपीएससी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दो वैकेंसी आई हुई है, एक तो फॉरेस्ट की रेंज ऑफिसर की और दूसरी वैकेंसी आई है एसीएफ की। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सिलेबस, बुक लिस्ट, सारी चीज़ें मैंने बताई थी, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो कई सारे कमेंट हैं उस पर, तो उस पर आज हम बात करेंगे। उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। आज हम कमेंट पर बात कर रहे हैं। कमेंट यह आया है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाली है क्या एक ही डेट पे होगी या अलग अलग डेट पे होगी। देखिए, अभी तक जो एग्ज़ाम की डेट आई है, जो कि आपको मालूम है कि फॉर्म फिलअप जो है 29 जुलाई से 10 अगस्त तक होगा, और 18 अगस्त को ही एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे निर्धारित करी गई है। हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसकी डेट आगे बढ़ जाए, मगर अभी फ़िलहाल जो तिथि है उसके अनुसार दोनों ही जो एग्ज़ाम हैं वो एक ही डेट पर होगी, मगर दोनों ही एग्ज़ाम अलग अलग हैं। ठीक है, इसका मतलब आप दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं और दोनों की एग्ज़ाम अलग अलग होगी। एक एग्ज़ाम होगी सुबह में, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में, फर्स्ट हाफ में होगा, जिसकी टाइम यहाँ पे 18 अगस्त जो है ये डेट है, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा 10 बजे से 12 बजे तक है, दो घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये रेंज ऑफिसर की। उसके बाद आप यहाँ पे एसीएफ का जो एग्ज़ाम है, सहायक वन संरक्षक का, ये एग्ज़ाम होगी 18 अगस्त को ही, और इसकी टाइमिंग रखी गई है 2 बजे से 4 बजे तक शाम में। इसका मतलब है एक ही डेट में एग्ज़ाम हो सकता है, जो कि यहाँ पे बताई गई है, मगर अलग अलग एग्ज़ाम होगा, तो आप दोनों ही एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल ये है, आया है कि यहाँ पे अदर स्टेट के क्या लोग एलिजिबल हैं या नहीं है। बिल्कुल एलिजिबल हैं, अदर स्टेट के लोग भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, मगर उनकी जो कैटेगरी होगी वो जनरल होगी। चाहे आप ओबीसी हो, एससी है, एसटी हैं, उससे मतलब नहीं है, आप अदर स्टेट के हैं तो आपको जनरल में अप्लाई करना होगा। अगली सवाल यहाँ पे, अगला जो सवाल है वो ये आया है कि जेपीएससी जो फॉरेस्ट रेंजर की जो मेंस ऑप्शन का सिलेबस है वो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रीलिम्स का तो डिटेल में बताया गया है, मगर मेंस का जो सिलेबस है वो डिटेल में नहीं बताया गया है। तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और एनालाइज फॉर यू जो ऐप है उसको डाउनलोड करके रख लीजिए अभी फिलहाल। इसके बाद अगला सवाल आया है कि जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। देखिए, प्रीलिम्स की कट ऑफ मुझे जो लग रही है 70% से के आसपास रहेगी, ठीक है, लगभग। हालांकि ये डिपेंड करेगा, एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक बताना मुश्किल है, मगर अभी तक जो जेपीएससी एग्ज़ाम लेती आई है उसके अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ, और सीट जितनी यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है कि जीएस हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या। देखिए, यहाँ पे जो मेंस का जो है आपको मालूम है सिलेबस, जिसकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में ही लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ जो लैंग्वेज पेपर इंग्लिश और हिंदी है, वो जिसमें लैंग्वेज पेपर इंग्लिश होगा उसको इंग्लिश में लिखना है, और हिंदी वाले हिंदी को लिखना है। बाकी जितने भी पेपर हैं आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल और बच गया हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और जिनको झारखंड जीके की नोट्स प्राप्त करनी हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।